नमस्कार दोस्तों, पोल्ट्री इंडिया टीवी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं अमित नागपाल और आज की जो टिप्स है वो है लीटर मैनेजमेंट या इसको बिछावन के सही तरीके क्या हैं। इन तरीकों से होगा ये कि आपके पोल्ट्री फार्म पे मृत्यु दर बहुत कम हो जाएगी और इसके अलावा FCR बहुत बेहतर होने लगेगी। फार्म के अंदर जो दुर्गंध और जो बहुत बदबू आ रही है वो भी बहुत नाम मात्र या कम हो जाएगी। तो इसके लिए कुछ गिनी चुनी 5-6 बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले जब आपके पोल्ट्री फार्म पे जब बर्ड आए तो आपको जो बिछावन यूज करनी है वो या तो चावलों का छिलका ले लें या लकड़ी का बुरादा ले लें। रिक्वेस्ट ये है कि लकड़ी का बुरादा यूज़ करने वाले सबसे ज़्यादा परेशानी में रहते हैं। उसकी वजह यह है कि लकड़ी का बुरादा गीला होता है या तो वो बेहद सूखा हो, तभी यूज करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ ही ये जो बेल आइकन है इसको बजा दें ताकि हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो आपको मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी आप चेक कर लें क्योंकि 15 दिन में हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेंज करते रहते हैं। उसमें आपके फायदे के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें डालते रहते हैं। वीडियो के अंत में भी 4, 3 या 2 वीडियो आती हैं, उनको आप क्लिक करेंगे, इसमें भी आपको पोल्ट्री से जुड़ी हुई जानकारियां मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, हमारा हौसला बढ़ता है। अब मुद्दे पे आते हैं। छोटा सा इशू है कि बिछावन ही बेसिक है। बर्ड जब आता है तो बिछावन ही यूज़ करते हैं। बिछावन का काम एक ये नहीं है कि बर्ड को कम्फर्ट देना, कि फर्श और बर्ड के बीच में एक कम्फर्ट जोन पैदा करना। इसका काम है बर्ड की बीट को सोखना। लकड़ी का बुरादा मैंने बताया कि सूखा लेना है। आप चावलों का छिलका लें, वो ज़्यादातर सूखा ही मिलता है। और आप इस फार्मूला में, एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ, जैसे ही बर्ड आए तो मान लीजिए आपने चावलों का छिलका आप बिछा रहे हैं तो एक सबसे पहली जो नीचे वाली परत है वो होनी चाहिए चूने की, बुझा हुआ चूना की। आप एक जरा सी, एक बहुत मामूली सी की एक परत आप फर्श पे बिछा दें, उसके ऊपर आप चावलों का छिलका डाल दें, उसके ऊपर अखबार आप बिछाते ही हैं। तो वो अखबार बिछाने का मोटिव मैंने आपको पहले पुरानी वीडियो में बता ही दिया है कि वो अखबार बिछाने से जो बर्ड है वो छिलके को या चूने को या लकड़ी के बुरादे को नहीं खाता, वो सिर्फ फीड ही खाता है। और दूसरी बात, आप ये ध्यान रखें कि आपने जो लीजिए बर्ड 4-5 दिन का हो जाता है, उसके बाद आप हल्का हल्का छिलके को ऊपर नीचे करना हाथों से शुरू कर दे, क्योंकि उस समय सूखा होता है, लेकिन 10-12 दिन के बाद वो गीला होना शुरू होता है और पपड़ी जमने शुरू होती है। नीचे सूखा रहेगा, ऊपर पपड़ी जम रही है, तो इसलिए आप उसको अल्ट पल्ट करते रहें ताकि उसकी खास तरह की एक कस्सी आती है जिसमें सरिये लगे होते हैं और आप उनको खींचते चले जाते हैं और क्या हो कि खाद की अल्टी पल्टी हो जाती है। लेकिन ये ध्यान रखें, गर्मी के वक्त में कोई अल्टी पल्टी नहीं करनी। अल्टी पल्टी आपको खाद की जो करनी है वो ठंडे टाइम में करनी है, बिल्कुल सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में। कोशिश करिए कि सुबह का वक्त ही रखिए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। और कभी आपको महसूस हो रहा है कि बिछावन गीली हो गई है तो उसमें आप बिछावन को बिल्कुल कंप्लीट हटा के धूप में डाल दें और फ्रेश चावलों का छिलका आप वहाँ पर डाल दें। इससे बर्ड बहुत अच्छा महसूस करेगा। आप देखिए कि आपके फार्म पे दुर्गंध तो हट गई, लेकिन वो जो बिछावन आपने बाहर निकाली है फिर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसी लॉट में, ऐसा नहीं कि अगले लॉट में आप उसको यूज़ करने लगें। अब बहुत गीली है नहीं, अगर सूख चुकी है तो। सर्दियों में आप उस बिछावन को बाहर निकाल रहे हैं और आप वो सुखा ही नहीं पा रहे वो बिछावन, तो उसको दोबारा मत डालिएगा। मैं आपको ये वादा कर रहा हूँ, ये इससे जो पेट में पानी बनने की समस्या है, अमोनिया बनने की समस्या है, बर्ड की आंखों से पानी आने की समस्या है, कॉक्सी भी जो बहुत ज़्यादा कहीं फार्म पे आ रही है, ये समस्याएं आपकी बहुत बहुत कम होने लग जाएंगी। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। आने वाले वक्त में हम आपको और भी वीडियो लेकर आ रहे हैं और ये 4 वीडियो जो आपके ये डिस्प्ले हो रही हैं स्क्रीन पे, इनको भी आप क्लिक करेंगे तो पोल्ट्री की अन्य जानकारियां भी आपको मिलती रहेंगी। तो पोल्ट्री की नई जानकारी और नए अपडेट के साथ फिर आपको मिलते हैं। धन्यवाद।